हेलो गाइज व्हाट्सएप, दिस इज समीर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीर फिटनेस। गाइज आज लेकर आया हूं मैं एक जबरदस्त वीडियो जिसे आप देखकर काफी इंस्पायर होने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल समीर फिटनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें, ताकि मैं जितने भी नए नए वीडियोस को लेकर आता रहूंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और इसका जबरदस्त फायदा मिलता रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं थायराइड बीमारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारी होती है और इसके क्या लक्षण है और इसके क्या इलाज है। आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने जा रहा हूं, तो प्लीज आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो गाइज मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं कि ये जो बीमारी थायराइड है ये किन किन लोगों को सबसे ज्यादा फैलती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बीमारी है इनका सबसे ज्यादा रेशियो देखा गया है महिलाओं में। जी हाँ, महिलाओं में थायराइड की बीमारी बहुत ज्यादा देखी जाती है। और इसके क्या मुख्य लक्षण है, तो बताना चाहूंगा कि इसके जो मुख्य लक्षण है अनिद्रा, सर दर्द, थकावट, इसके अलावे गर्दन में दर्द, शरीर का मोटा हो जाना, भारी भरकम हो जाना, इसमें इसके एक और लक्षण है शरीर दुबला पतला हो जाना, ज्यादातर शरीर का वजन बढ़ना, मोटापा हो जाना, ये महिलाओं में अक्सर ये बीमारी देखने को मिलती है। इससे रक्तचाप बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल का उतार चढ़ाव होता रहता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा भी साबित होती है। और आपको बताना चाहूंगा गाइस कि इन बीमारियों से बचने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए। हालांकि ये बीमारी पुरुष में भी देखा जाता है सामान्यतः, लेकिन इसका जो रेशियो जो है, जो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज की अगर बात करें तो वो महिलाओं में ये बीमारियां ज्यादा पाई जाती है। और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको करना ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और फुल बॉडी चेकअप करवाएं, और जो वो आपको मेडिसिन लिखते हैं वो मेडिसिन आप प्रॉपर लें, तो आप की जो ये बीमारी है थायराइड की, अगर मोटापे से परेशान है, रात को ज्यादा प्यास लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कतें आती है, तरह तरह की बहुत सारी परेशानियां इस थायराइड बीमारी के अंदर में देखने को मिलती है जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो गाइस अगर आप भी थायराइड से परेशान हैं, जो हमारे घरों में महिलाएं अगर इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर के पास तो जाएं ही जाएं, लेकिन इसके अलावे आपको एक और काम करना है, वो ये कि आपको फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करना है। आप इनडोर आउटडोर घर में रहते हुए भी आप योगा करें, आप जिम जाएं। अगर आप जिम नहीं जा पाते हैं, घर की महिलाएं अगर जिम नहीं जा पाती हैं, तो आप घर पे ही रूम के अंदर ही आप एक्सरसाइज करें, कुछ योगा कर लें, कुछ ऐसा व्यायाम कर लें। अगर घर की सीढ़ियां हैं तो सीढ़ियों पे आप 10 बार चढ़ें उतरें, इस तरीके से आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ता रहेगा, मेंटेन रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा, और किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं होगा, और ना ही आपके शरीर में अगर मोटापा है तो वो सारा आपका बॉडी बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो जाएगा, धीरे धीरे सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, सांस लेने में जो दिक्कतें होती है इस बीमारी के अंदर वो भी दूर हो जाएगी, ज्यादा प्यास लगता है वो भी दूर हो जाएगा, तरह तरह की जो भी समस्याएं हैं वो सभी दूर हो जाएगी। तो आप अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें, हल्की ही एक्सरसाइज करें लेकिन रोज करें, नियमित रूप से करें। और आप अपने डाइट का भी पूरा ख्याल रखें। अभी इस आधुनिक समय में बहुत ऐसे लोग होते हैं कि मोबाइल पर लगे रहते हैं चैटिंग करने में दिन रात, और काफी लेट नाइट्स होते हैं, तो ये भी एक बीमारी का कारण है। दोस्तों आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, आप समय से सोएं, समय से जगें, अपने डाइट का पूरा पूरा ख्याल रखें। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।